वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का जो सब्जेक्ट एसएस चल रहा है हमारा, भूगोल पार्ट में जो चैप्टर नंबर 4 कृषि चल रहा है, उसकी वीडियो नंबर 9 है। आज हम अध्ययन करेंगे, आज का जो हमारा प्रकरण है, टॉपिक है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। कि जो वैश्वीकरण हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, उसका कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं कि वैश्वीकरण है क्या, ये भूमंडलीकरण क्या है या ग्लोबलाइजेशन क्या है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ देखें तो स्थानीय क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं को, किसी वस्तु या घटनाओं का ऐसा रूपांतरण करना जो विश्व के स्तर के ऊपर एक साथ आ जाएं और जिससे एक नए समाज का निर्माण हो और साथ साथ चलकर चले। या हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण में जो बहुउद्देशीय कंपनियां हैं, जो मल्टीपर्पज जो कंपनियां हैं, या विश्व की जो कंपनियां हैं, जो स्थान लेवल के स्थानीय और क्षेत्रीय और देश की सभी कंपनियां मिलकर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जिसके ऊपर वे अपने माल को बेच सकें, जिससे सभी देशों को एक ही प्लेटफॉर्म में सभी वस्तुएं एक साथ मिल सके और एक देश की दूसरे देश की मुद्रा जा सके, जिससे उनको आर्थिक वृद्धि भी होगी, साथ में हमारा बंधुता बढ़ेगा, सामाजिक एकता आएगी, एक दूसरे की संस्कृति को पहचानेंगे, हमारा प्रेम भाव होगा, यानी सामंजस्यता बढ़ेगी। यही है वैश्वीकरण। अब देखते हैं कि वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव क्या पड़ा। जो हमारी कृषि एक जो प्राथमिक व्यवसाय है, उसके ऊपर कृषि का क्या प्रभाव पड़ा, तो उसकी कुछ हम विशेषताएं देखते हैं कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। अगर वैश्वीकरण में देखते हैं तो देखिए, वैश्वीकरण जो घटना है ये कोई एक नई घटना नहीं है। अगर हमारे भारतीय इतिहास को हम इतिहास को देखते हैं तो वैश्वीकरण की जो घटना है वे प्राचीन काल से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है, इसलिए वैश्वीकरण नई घटना नहीं है। जब हमारा उपनिवेश काल था, उपनिवेश काल में जब हमारा भारत देश गुलाम था, क्योंकि भारत में न जाने कितने विदेशी लोग आए, यहाँ डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, यूरोपियन कंपनी जैसे ब्रिटिश लोग आए, ये धीरे धीरे आए, व्यापारी बनकर आए, व्यापार करते रहे, और जैसे जैसे इनका समय गया, एक शक्ति दूसरे शक्ति को युद्ध में हराती गई और यहाँ से जाते गए। तो ये उपनिवेश काल आज का नहीं है, ये तो प्राचीन काल से चला रहा है। अगर हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जब यूरोपियन व्यापारी भारत आए, तो हमारे देश के जो मसाले थे ना, वे बहुत फेमस होते थे। हमारे देश के जो मसाले थे, भारत देश के मसाले विश्व के देशों में निर्यात किए जाते थे, इसलिए हमारा जो देश था मसालों के लिए फेमस था। तो ये तो हुई कि वैश्वीकरण उससे समय था। और दक्षिण भारत में किसानों के लिए, पहले भी और आज भी, दक्षिण भारत में किसानों को आज भी और पहले भी गर्म मसाले बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, उनको मोटिवेट किया जाता था कि आप अधिक से अधिक गर्म मसाले का उगाओ, ताकि देश से इसका निर्यात होगा विदेश में, और विदेश से न केवल
हमारा विदेशी मुद्रा मिलेगी, लेकिन हमारे आपसी प्रेम भी बनेंगे, संबंध भी अच्छे रहेंगे। ये थे हमारे। अगर ब्रिटिश काल का उदाहरण देखते हैं कि ब्रिटिश काल, जैसे ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो अंग्रेज भारत में आए थे, मैं पहले बता चुका कि सन 1600 ईस्वी में आए थे और यहाँ पर एक व्यापारी बनकर आए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सबसे पहले अंग्रेज भारत में आए थे सन 1600 ईस्वी में, 1600 ईयर्स में। तो यहाँ पर आए तो एक व्यापारी बनकर आए थे और व्यापारी बनकर आए तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी खोली कि हम यहाँ से व्यापार करेंगे और कच्चा माल यहाँ किससे लेके जाते थे और तैयार माल वहाँ से लाते थे। ब्रिटिश काल में दो स्थान थे जो सूती वस्त्र के उद्योग थे, क्योंकि भारत की जो कॉटन थी, जो कपास थी, ये बहुत ही फेमस कपास थी। उसका जो रेशा था, जो फाइबर था, वे उच्च क्वालिटी का था, लंबा बढ़ने वाला था। इसलिए भारत की कपास के प्रति अंग्रेज लोग प्रभावित हुए कि भारत में जो कपास निकलती है वे अच्छे रेशे की है, अच्छी क्वालिटी की है, अच्छे गुण की है, क्यों ना इस कच्चे माल को ब्रिटिश में अंग्रेज अपने देश में इंग्लैंड में लेके जाएं और उस से तैयार माल बनाएं और वापस भारत को या अन्य देश उसको बेचें ताकि इसको आमदनी हो। ऐसे ब्रिटिश काल के अंदर और ब्रिटेन के अंदर दो स्थान थे जो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र थे, एक तो था उसमें मैनचेस्टर और दूसरा था लिवरपूल। ये मैनचेस्टर जो लिवरपूल थे, ये ब्रिटेन के स्थान है जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग तैयार होते थे, सूती वस्त्र के यानी कि इंडस्ट्रीज थी। तो यहाँ से माल हमारे भारत देश में तैयार माल आता था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा शोषण किया। क्यों? कच्चा माल सस्ता ले जाते और तैयार माल हमको महंगा देते। इसे हमारे भारतीय किसान की दुर्दशा होगी, उसकी आर्थिक स्थिति गिर गई। लेकिन क्या करें, उस समय हम गुलाम थे, हम कुछ कह नहीं सकते थे, ये समस्या है। ये एक स्थिति देखी जाती है 1917 की चंपारण में, जो 1917 है, 1917 की घटना है। चंपारण एक स्थान है बिहार के अंदर, चंपारण और चंपारण है बिहार में, क्योंकि जो 1917 का जो चंपारण जो बिहार के अंदर है, ये महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था। क्या था इसमें कि जो चंपारण जो स्थान है वहां के किसानों को अंग्रेज लोग जबरदस्ती कहते कि आप नील की खेती करो। नील एक पौधा होता है जिसको इंडिगो बोलते हैं इसमें, कि नील की खेती का प्रयोग करो और खाद्यान्न को उत्पादन के लिए मना कर दिया, क्योंकि चंपारण के जो किसान थे वे तो चाहते कि हम खाद्यान्न उत्पादन करें ताकि हमारे परिवार का और हमारे देश में खाद्यान्न की उन्नति हो, हमको भोजन मिले। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय 1917 में हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए वे चाहते थे कि नील की खेती करें और नील का जो पौधा है वे सूती वस्त्र उद्योग बनाने में काम आता था। सूती वस्त्र उद्योग, इसलिए अंग्रेज तो चाहते थे कि चंपारण के किसान नील की अधिक से अधिक खेती करें, जिसको हम यहाँ से कच्चे माल के रूप में लेके जाए कहाँ पर, मैनचेस्टर लिवरपूल में, और अपना सूती वस्त्र उद्योग अपनाए, उसको बढ़ाए। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, इसलिए चंपारण के नाम से जाना जाता है। तो ये था सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगर आप नेक्स्ट देखते हैं इसमें हो तो चावल कपास रबर चाय और कॉफी और जूट और मसाले मुख्य उत्पादक है,
ये हमारा जो भारत देश है, चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसाले का मुख्य उत्पादक है। फिर भी हमारा जो देश है, भारत देश है, इन महत्वपूर्ण फसलों में उत्पादन में अच्छी स्थिति होने के बाद भी जो विकसित देश है, उस विकसित देश की स्पर्धा करने में आज भी असमर्थ हैं। अगर जो विकसित देश से हमारा कंपटीशन होए, तो आज भी हम असमर्थ हैं। क्यों है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि विकसित देशों को जो सब्सिडी है, जो सहायता है, वे कृषि के ऊपर बहुत अधिक मिलती है, जबकि विकसित देशों की बजाय हमारे भारत देश में कृषि के ऊपर जो सब्सिडियां हैं, जो सहायता है, वे बहुत कम मिलती है, ना के बराबर मिलती है। इसलिए हमारे भारतीय किसान का खेती करने में इतना दिल नहीं लगता जितना विकसित देश करना चाहते हैं, और यही कारण है कि आज हमारी जो कृषि है वे धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। इससे क्या हुआ? सीमांत और जो छोटे किसान है, सीमांत और छोटे किसान की स्थिति सुधारना बड़ी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो छोटे किसान है, जिनके पास जमीन कम है, जिनके पास में सिंचाई के साधन नहीं है, अच्छे बीज नहीं है, बहुत से कारण है, नहीं होने के कारण वे आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वे आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर हरित क्रांति का देखें वादा, हरित क्रांति आई थी कि कम समय में अधिक उत्पादन किया जाए, अच्छे अच्छे बीज आए, एचवाई सीड्स का प्रयोग हो और लाभ अधिक हो, लेकिन हरित क्रांति का जो वायदा था, जो प्रॉमिस था, वे सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वे सीमित क्षेत्र तक लागू हुआ, वे पूरे भारत देश में नहीं फैल पाया, और हरित क्रांति से अधिक लोग, यानी कम समय में अधिक उत्पादन से उसे रासायनिक खादों, बीजों, रासायनिक खाद है, बीजों है, उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों और केमिकल्स का इनका प्रयोग करने से हमारी भूमि की जो उर्वरकता जो शक्ति है वे खत्म हो गई। क्योंकि वादा तो यह था कि हरित क्रांति के माध्यम से कम समय में अधिक उत्पादन करेंगे, अधिक पैदावार करेंगे, तो क्या क्या नए नए रासायनिक खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां लगा लगा के हमारे कृषि को, यानी कि एक तरह से जहरीला बना दिया। आज जो बीमारियां फैल रही हैं, इसका यही कारण है कि आवश्यकता से अधिक रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने से ये कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ा है। आज हमें जीन क्रांति शब्द का प्रयोग, एक फेमस है जीन क्रांति, हमें जो जीन क्रांति है, उस जीन क्रांति को का प्रयोग किया जा रहा है। जीन क्रांति क्या है? ये जीन क्रांति, जीन क्रांति का शब्द है जेनेटिक इंजीनियर, यानी आनुवांशिक संशोधित करके नए संकर बीजों का तैयार करना, नए बीज करना। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं, बीटी बैंगन और बीटी कपास, जैसे बीटी बैंगन और बीटी कपास या बीटी कॉटन। बीटी मतलब एक मृदा में एक ऐसा जीवाणु होता है, उस बीटी नाम का, कि उससे उस मृदा में जीवाणु के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो जीन क्रांति है, वे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से नए संकर बीजों का प्रजनन करने के माध्यम से उसके आनुवांशिक गुण जो है वे परिवर्तित करके ऐसे बीज तैयार किया जाए जिससे अधिक उत्पादन हो सके।
अगर हम विकसित देशों की बात करते हैं जैसे चिली, इजराइल, इटली, ये क्या है, ये खाद्यान्नों की बजाय जो विकसित देश है जैसे चिली, इजराइल, इटली, ये खाद्यान्न फसलों की बजाय फल, सब्जियां, फूल पत्तियां, जैतून और विशेषकर बीज के मामलों में खेती अधिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अधिक मूल्यवान होती है, ये अधिक कीमती होती है, अधिक पैसे देने वाली होती है। तो ये जब अधिक पैसे देने वाली होती है फल, सब्जियां और जैतून, तो इनको ये निर्यात करकर और उसके एक्सचेंज, उसके बदले में ये खाद्यान्न का आयात कर लेते हैं। इसलिए ये देश, विकसित देश अपने बुद्धि के माध्यम से अपने कृषि के पैटर्न को या प्रारूप को चेंज किया है। हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमारे भारत देश को भी विकसित देशों की जो अच्छी नीतियां उसको अपनाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भी खाद्यान्नों के उत्पादन के बजाय, खाद्यान्नों के उत्पादन के बजाय फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां या बागवानी या अधिक कीमत देने वाली फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। जब अधिक से अधिक उनका उत्पादन होगा तो हम इन फसलों को निर्यात कर देंगे और उसके बदले में जो हमारे पास में मुद्रा आएगी, जो पैसे आएंगे, उससे हम खाद्यान्न खरीद लेंगे। तो इससे हमारा देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। तो हमें ये करना चाहिए कि खाद्यान्नों की फसलों के बजाय हमें फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और जो कीमती जो फसलें हैं उन फसलों को बोना चाहिए, उनका निर्यात कर देंगे, उनके बदले जो पैसे आएगा उससे खाद्यान्न खरीद लेंगे और हमें खाद्यान्न की पूर्ति हो जाएगी और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और हमारे पास में रुपए भी होंगे। और साथ में हमको उन फसलों को भी बोना चाहिए जिनमें कम पानी की जरूरत होती है, जिसमें पानी की जरूरत कम होती है। क्यों? जैसे जैसे बायोडीजल, जोजोबा और जेटोरफा, ये ऐसी फसलें हैं जिसके लिए फसलें के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। और साथ में हमें कार्बनिक जो कृषि है, कार्बनिक कृषि का प्रचलन जो चल रहा है, हमें कार्बनिक कृषि के ऊपर अधिक से अधिक बल देना चाहिए, कार्बनिक कृषि पर बल देना चाहिए। क्योंकि कार्बनिक कृषि से हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है, हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, जब हमारा पर्यावरण दूषित है तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए कार्बनिक कृषि को ऊपर बल देना चाहिए। क्या होता है ये कार्बनिक कृषि? कार्बनिक कृषि की जैसे मिट्टी के अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया है उनसे खाद तैयार कर खेती की जाती है। जैसे केचुआ है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक गड्ढा बना दिया और इसमें पशु की जो गोबर है, गोबर की खाद को इसमें डाल दिया और इसमें केचुए के को छोड़ दिया गया, कुछ पानी डाल दिया गया, तो इससे कुछ समय के बाद में इस केचुए ने इस गोबर को खाया, ईटिंग किया, इसको छोड़ा, तो ये खाद तैयार हो जाएगी। अब इस खाद से आप कृषि कीजिए तो आप बहुत अच्छी होगी, शुद्ध अनाज होगा जिसको खाने से कोई बीमारी नहीं होगी और उत्पादन भी अधिक होगा और साथ में पर्यावरण भी हमारा दूषित नहीं होगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए गड्ढा खोदा, इस गड्ढे में प्राकृतिक वनस्पति के जो अवशेष हैं, जैसे नीम की पत्तियां, नीम एक पेड़ होता है, नीम की पत्तियां या अन्य पत्तियां इसमें डाल दिया, पानी डाल दिया, इसको ढक दिया, इसको कवर कर दिया, ढकने के बाद में जो खाद डाली, जिसमें गोबर की खाद या नीम की पत्तियां, नीम के पत्ते को डालने के बाद में कुछ समय बाद ही गल जाएगी, गलने के बाद में ये खाद हो जाएगा, तो उससे कृषि करेगी, इससे न कोई पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, न कोई ज्यादा पैसे की लागत लग रही है और इससे हमारा उत्पादन में वृद्धि होगी और हमको फायदा भी होगा। तो हमें कार्बनिक कृषि का प्रचलन करना चाहिए जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो, बढ़ती जनसंख्या, घटता रोजगार, ये बात सही है।
कि हमारे भारत देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन तेजी गति से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार धीरे धीरे घट रहे हैं। इसके ऊपर हमको कंट्रोल करना होगा। साथ में अगर ये देखते हैं कि लगभग भारत देश की 60 करोड़ जो पॉपुलेशन है, लगभग भारत की 60 करोड़ जो जनसंख्या है, 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि के ऊपर कृषि कर रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने कम भूभाग के ऊपर कृषि कर रही है, अगर एक व्यक्ति का हिस्सा देखें तो कम से कम आधा 1/2 हेक्टेयर, 1/2 हेक्टेयर से भी कम भूमि के ऊपर हिस्सा कृषि कर रही है। 60 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि कर रही है। अगर इसका रेशो निकाले तो 1/2 हेक्टेयर के ऊपर एक व्यक्ति, यानी 1/2 हेक्टेयर से कम भूमि पर एक व्यक्ति कृषि कर रहा है। जबकि कृषि एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण अपना एक आर्थिक स्थिति का बिंदु है। हमें खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलों को बोना चाहिए। जैसे भी बात कर रहे थे कि फल सब्जियां जड़ी बूटियां या अधिक कीमत देने वाले और कम सिंचाई वाले बायोडीजल जोजोवा जट्रोपा फूल सब्जियां जड़ी बूटी जैसी खेती करनी चाहिए, ताकि हम विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा कर सकें और हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो गरीबी हटेगी और गरीबी दूर होगी, हमारा देश का विकास होगा। तो ये था चैप्टर तुम्हारा कृषि। कृषि के ऊपर मैंने 9 वीडियो बनाए हैं और आप इसको 9 वीडियो को पढ़ चुके हैं। आपके कहने से कि आपने कहा कि सर NCERT की जो बुक है, CBSE में ऐसे जो सब्जेक्ट है वे दोनों मीडियम है। और बात बिल्कुल सत्य है कि NCERT CBSE में जो ऐसे सब्जेक्ट है वे दोनों मीडियम में है। उसको आप इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हो और हिंदी मीडियम में भी ले सकते हो। देखो मैं पहले ही बताया था आपको कि मीडियम किसी प्रकार का स्टडी करने में, अध्ययन करने में कोई बैरियर नहीं रखता है। सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, आप अच्छा लिख सकते हो, अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, समझना चाहिए। मीडियम कोई बैरियर नहीं है। आप हिंदी या इंग्लिश कोई से भी किसी भी लैंग्वेज को चुनकर और अपने सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हो। तो इसलिए आपके कहने से मैंने ये वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये चैप्टर कंप्लीट, आप मुझे कमेंट्स करना, बताना आप मुझे कि कैसा लगा, ताकि मैं और वीडियो इस पर बना सकूं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ही आप इसके ऊपर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं करना। ओके, थैंक यू।